नमस्कार, मैं हूं धर्मेश शर्मा। आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ डिप्टी सीएम ने रामघाट रोड का नाम बदलकर किया कल्याण सिंह मार्ग, योजनाओं का हुआ शिलान्यास। अलीगढ़ जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामघाट रोड का नाम बदलकर रामभक्त बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जोड़ते हुए रामघाट रोड के नाम से साथ शुद्धिकरण किया, जबकि अखिलेश यादव और सभी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि 2022 में जब जनता का फैसला आएगा तो सभी दल बेहोश होकर अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता पार्टी 2022 में 2017 को दोहराएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में सरकार बनाएगी, और कहा कि कृषि कानूनों को भी लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसान हमारे भाई हैं, जबकि किसान जिस कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने उनसे ही कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी, जबकि किसान बिल वापसी की घोषणा के बाद भी पीछे नहीं हट रहे। और इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का जो काम करना था सरकार ने वह अपना काम कर दिया। मैंने जो कहना अभी मंच से सब कुछ कह दिया है, ना जिन्ना जी ता पाएंगे, ना अतीक अहमद आजम खान अंसारी और ता पाएंगे। जनता जिताती है, जनता भाजपा को जिता रही है, भाजपा को जिताएगी। भाजपा का कमल खिला है और वह खुशहाली का कमल है, सुशासन का कमल है, गुंडागर्दी माफियागिरी अपराध का अंत करने वाला कमल है और वह खिला रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे। देखिए, किसान भाई हमारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिस विषय को लेकर आंदोलन था वह कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है और देश के किसान खुशी मना रहे हैं। किसान पीछे नहीं हट रहे, क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि जो सरकार को काम करना था सरकार ने कर दिया। आज ये राम घाट कल्याण मार्ग किया गया है। बाबूजी राम भक्त थे और राम भक्त थे तो राम घाट का नाम ना बदले और बाबूजी का नाम भी जुड़ जाए, इसलिए वह नामकरण किया गया। यार एक व्यक्ति कैसे, आप एक दिन सवाल करो ना। नाम बदल रहे हैं प्रदेश के साथ साथ एमपी में भी, अब कई जगह के नाम बदल रहे हैं, नाम बदल रहे शहरों में। अच्छा, वो सवाल करें पहले आप करो, चार सवाल कर चुके आप। क्या है? मैं उनके बयान पे क्या जवाब दूं? वो दुकान जो भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, किसान सम्मान निधि देती है, उनके उन्नत बीज उपलब्ध कराने का काम करती है, उनके गन्ना खरीद का काम करती है, आलू के उत्पादन बढ़ाने का काम करती है, उसके उचित मूल्य मिले, हर वह काम कर रहे हैं हम लोग जिससे किसान की आमदनी बढ़े। जो भी किसान नेता उनसे यही अपील है, कृषि कानूनों को लेकर के वो आंदोलन के लिए आए थे और कृषि कानून वापसी घोषणा के बाद सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें आंदोलन समाप्त करना चाहिए। शिवपाल जी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर बीजेपी भी छोटे दलों से क्या मुझे मालूम है, श्री अखिलेश यादव जी की ही टीम है, सारी टीम केवल भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन भाजपा को जनता जिताना चाहती है और जनता की अदालत का फैसला 2014, 2017, 2019 का जो है, मुझे पूरा विश्वास वही फैसला 2022 को होगा और जब 2022 का होगा तो यह सब एकदम बेहोशी में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। हमारे दो सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, बाकी कोई दल कोई नेता भाजपा में आना चाहेगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेगा, विचार करने लायक होगा करेंगे, नहीं विचार करने लायक होगा जैसे